Yes, up to fourth phase, we have solved question and discussed. You might have completed till question number 49. From question 55th stage or fifth phase starts. अच्छा, यहाँ से question का level थोड़ा difficult हो रहा है. Fifth, sixth और seventh ये तीनों phase के questions difficult है. तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा, तो आप पूरा ध्यान दीजिए. यहां से शुरू करते पहले क्वेश्चन नंबर 50. ऑल ऑफ यू रीड इट वेरी केयरफुली. इज गिवन ए रेस टू पी इक्वल्स टू बी रेस टू क्यू इक्वल्स टू सी रेस टू आर. एक इंफॉर्मेशन ये है. दूसरे एक इंफॉर्मेशन दी है बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी. एंड बेस्ड ऑन दिस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज क्यू इंटू पी रेस टू आर होल डिवाइड बाई पी आर. अब क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आया कि सर ये क्वेश्चन में गिवन जो है और रिक्वायरमेंट जो है उनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है, और इसको कैसे सॉल्व करें सर? देखो, इसको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, लेकिन बिफोर अप्लाइंग दिस टेक्निक यू नीड टू हैव एटलीस्ट टू इंफॉर्मेशन इन गिवन फॉर्म. सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. आपके पास दो इंफॉर्मेशन गिवन में होनी चाहिए जो मैं टेक्निक बोलने जा रहा हूं अप्लाई करने के लिए. जैसे कि ये इंफॉर्मेशन है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है. यस, दो इंफॉर्मेशन है, हम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, टेक्निक का नाम है के मैथड. हम इसको बोलेंगे के मैथड. क्या करना है, पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसका यूज करते हैं. चलिए उसको सॉल्व करते हैं. ए रेस टू पी इक्वल्स टू बी रेस टू क्यू इक्वल्स टू सी रेस टू आर. दिस ऑल आर इक्वल, दे मस्ट बी इक्वल टू सम वैल्यू, क्योंकि ये कोई ना कोई तो वैल्यू होगी. हम मान के चलते हैं सपोज ये वैल्यू के है. हम ये लेते हैं कि ये के है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए रेस टू पी इक्वल्स टू के एज वेल एज बी रेस टू क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू के सी रेस टू आर इज ऑल्सो के. अच्छा, ए रेस टू पी इज के, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं ए इक्वल्स टू के रेस टू वन बाई पी. एग्रीड और नॉट, प्लीज टेल मी. हाँ, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर पावर का क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल. ठीक है, तो ए रेस टू पी इज इक्वल टू के, देन ए विल बी इक्वल टू पावर कॉट ऑपोजिट साइड. हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर करना है तो उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे. सेम वे बी इज इक्वल टू के रेस टू वन बाई क्यू एंड सी इज इक्वल टू के रेस टू वन बाई आर. चलिए, एक इंफॉर्मेशन का यूज करके जितना हो सकता था वो काम हमने कर लिया. अब यूज करते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन. दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी. बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी, व्हाट इज बी? बी का मतलब है के रेस टू वन बाई क्यू, और ये बी का स्क्वेयर है, तो मैं यहां पर स्क्वेयर लिख देता हूं. एंड दैट इज इक्वल टू ए इंटू सी. सो ए इज इक्वल टू के रेस टू वन बाई पी एंड सी इज इक्वल टू के रेस टू वन बाई आर. तो यहां पर हमने सेकेंड इंफॉर्मेशन को फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बेस पे जो रिजल्ट निकाले थे वो रिजल्ट को सेकेंड इंफॉर्मेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया. अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूं तो ये होगा कि के रेस टू टू बाई क्यू इज इक्वल टू के रेस टू वन बाई पी प्लस वन बाई आर. बेस आर से मल्टीप्लीकेशन, पावर्स टू बी थेरेड. दैट मीन्स अब आप बोल सकते हो कि यहां बेस सेम है और इक्वालिटी का साइन है, तो पावर्स को मैं इक्वेट भी कर सकता हूं. मीन्स टू बाई क्यू इज इक्वल टू वन बाई पी प्लस वन बाई आर. ओके, अब टू बाई क्यू इज इक्वल टू, सपोज मैं एलसीएम पी आर ले लू तो ये आर प्लस पी, ऐसा लिख सकते हो. ओके, दैट मीन्स टू इज इक्वल टू क्यू
इनटू क्यू यहां पर ट्रांसफर कर दे, आर प्लस पी लिखे या पी प्लस आर लिखे बेटर लिखी है, तो मैं पी प्लस आर ही लिख रहा हूं। एंड होल अपॉन पी आर, लुक एट दिस वाज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू टू। सो फाइनल आंसर क्यू इंटू पी प्लस आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू टू। कौन सा आंसर है इक्वेशन 50 में? ये है आंसर सी। तो के मेथड का यूज करना है ऐसे क्वेश्चन में, कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, तो के मेथड को यूज करो, बहुत इजी हो जाएगा। कुछ कंडीशन कौन सी है? दो इंफॉर्मेशन गिवन में होनी चाहिए। चले इसके बाद वाला भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, वो भी देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 51 को मैं यहां प्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि वही पैटर्न का है, तो ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 51 में क्या दिया हुआ है? इफ ए रेस टू पी इक्वल्स टू बी रेस टू क्यू इक्वल्स टू सी रेस टू आर इक्वल्स टू डी रेस टू एस, तो एक काम करते हैं, एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है डी वाला वो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, दैट इज इक्वल टू डी रेस टू एस, एक ये इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन है ए बी इज इक्वल टू सी, और उसके बाद पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय आर माइनस 1 बाय एस, ये क्या है ये आपको पूछा है। ठीक है, वही प्रोसीजर हम एडॉप्ट करेंगे। पहले तो a raise to p equals to b raise to q equals to c raise to r equals to d raise to s equals to k मान के चलते हैं। इसका मतलब a b और c का तो हमने पहले से लिखा हुआ था, d raise to s equals to k implies d equals to k raise to 1 by s। चलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन के बेस पर सब कुछ हमने निकाल दिया, अभी आगे नहीं बढ़ सकते तो सेकेंड इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन है ए बी इक्वल्स टू सी। अच्छा ए क्या है भाई? के रेस टू 1 बाय पी इंटू के रेस टू 1 बाय क्यू, और सी डी में के रेस टू 1 बाय आर इंटू के रेस टू 1 बाय एस। चलिए यहां बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो k इक्वल्स टू 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू, और यहां पर k इक्वल्स टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय एस। बेस सेम में इक्वालिटी का साइन है, पावर्स को भी इक्वेट कर सकते, दैट मींस 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू इक्वल्स टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय एस। अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो सीधा आंसर मिल जाएगा, देखो 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू माइनस 1 बाय आर माइनस 1 बाय एस इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, आंसर है ऑप्शन डी। एनी कंफ्यूजन? ओके, चलिए उसी पैटर्न में एक नया क्वेश्चन 53। 2 raised to a equals to 3 raised to b equals to 12 raised to c, equality equality है यहाँ पर, और उसके बाद दिया है 1 upon c minus 1 upon b minus 2 by a का आंसर क्या होगा। अब यहां पर हमने पहले बताया था आपको कि कम से कम दो इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब गिवन में दो होनी चाहिए तभी हम एक्सप्रेशन में जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन यहां गिवन में दो इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ही इंफॉर्मेशन है, दैट मींस के मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, के मेथड हम अप्लाई करेंगे और यहां पर दो इंफॉर्मेशन ही दी हुई है, वो पता लगेगा एक ही इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसिवली अवेलेबल है, लेकिन हिडन बेस पे एक और इंफॉर्मेशन है जो बेस्ड ऑन नॉलेज आपको डिराइव करनी है। लुक एट द सॉल्यूशन, क्या करेंगे, मतलब के मेथड ही यूज करना है, प्लीज सी ऑन द बोर्ड।
2 raised to A equals to 3 raised to B equals to 12 raised to C equals to some value, say it is K. That means 2 raised to A is K, 3 raised to B is K, and 12 raised to C is K. It means 2 equals to K raised to 1 upon A, 3 equals to K raised to 1 upon B, and 12 equals to K raised to 1 by C. यहां तक तो कोई problem है ही नहीं. अब सेकेंड इंफॉर्मेशन हो और इसमें ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये एक्सप्रेशन तक जा सकते थे, जो पहले दो क्वेश्चनों ने यही काम किया था. यहां सेकेंड इंफॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन हम सेकेंड इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे बेस्ड ऑन आवर प्रायर नॉलेज. जैसे कि हमको 2, 3 और 12 ये तीनों फिगर का ही या तीनों वैल्यूज का ही यूज करके इन तीनों के बीच ऐसी रिलेशनशिप सेट करनी है कि ये तीनों इंटरकनेक्टेड लगे. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2. ये तो ओपन इंफॉर्मेशन है ना, ये देने की जरूरत भी क्या है. 12 is equal to 3 into 2 into 2. और क्यों मैंने 12 को इसी फॉर्मेट में लिखा, मैं किसी और फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे यूज करना है 2, 3 और 12 इन्हीं तीन वैल्यूज का, क्योंकि यही तीन वैल्यूज को मुझे k के फॉर्म में अवेलेबल है. तो इनका यूज करके एक कनेक्शन, एक रिजल्ट हम डेवलप कर लेते हैं जो हमारे नॉलेज के हिसाब से अवेलेबल है. चलिए, 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब है k रेस टू 1 बाई सी. 3 का मतलब क्या है? k रेस टू 1 बाई बी. 2 का मतलब क्या है? k रेस टू 1 बाई ए. अगेन k रेस टू 1 बाई ए. दैट मीन्स k रेस टू 1 बाई सी इज इक्वल टू k रेस टू 1 बाई बी प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए. दैट कैन बी रिटर्न एज k रेस टू 1 बाय सी इक्वल्स टू k रेस टू 1 बाय बी प्लस 2 बाय ए. अच्छा, अभी बेस सेम है तो पावर्स को भी इक्वेट कर लेते हैं. तो 1 बाय सी इक्वल्स टू 1 बाय बी प्लस 2 बाय ए. और इसको मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो 1 by C minus 1 by B minus 2 by A, and that is what the required expression is, you see. So answer is 0. So you must put tick mark on 0 is there at option B. So for 53, answer is option B. Okay. चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 54 भी देख लेते हैं. 54 में गिवन इंफॉर्मेशन तो सेम ही है, हाँ रिक्वायरमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है. तो देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है. रिक्वायरमेंट में है ए बी माइनस सी इंटू a प्लस 2b का मतलब क्या होगा. ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 54. सेम डेटा, 2 रेस टू a इक्वल्स टू 3 रेस टू b इक्वल्स टू 12 रेस टू c. हाँ, रिक्वायरमेंट में चेंज है ab माइनस c इनटू द ब्रैकेट a प्लस 2b. ओके, ये आंसर क्या होगा. देखो, टेक्निक वही अप्लाई करनी है, काम भी वही करना है, ठीक है. तो ये हमारे पास डेटा जो है वो तो अवेलेबल ही है. 2 रेस टू a इक्वल्स टू 3 रेस टू b इक्वल्स टू 12 रेस टू c इक्वल्स टू k. देन 2 इज इक्वल टू k रेस टू 1 बाय a, 3 इज इक्वल टू k रेस टू 1 बाय b, एंड 12 इज k रेस टू 1 बाय c. रिलेशन भी यही है, 12 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यही पे यूज करना है.
सो टिल दिस लेवल एंटायर क्वेश्चन विल रिमेन सेम. चेंज क्या हो रहा है, अब यहां से थोड़ा चेंज हो रहा है वो देखते हैं. हमको जो चाहिए उस हिसाब से, मतलब रिक्वायरमेंट पे हमारी नजर होनी चाहिए, उस हिसाब से यहां चेंजेस करेंगे. तो मैं 1/c को तो डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन यहां एलसीएम ए बी ले रहा हूं. तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2b. अब समझ में आ रहा क्या है इधर. अब ये ए बी इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, और सी को मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो सी इंटू ए प्लस 2b. अब ये पूरा एक्सप्रेशन अपोजिट साइड ले जाते हैं, तो आप ध्यान से देख लो, यही हमारा रिक्वायरमेंट था, माइनस सी इंटू ए प्लस 2b, एंड दैट इज आंसर 0. और आंसर 0 है तो क्या करेंगे, ऑप्शन है हमारा 54 का ऑप्शन ए है, तो आंसर हो गया हमारा ए. एनी कंफ्यूजन? ओके ओके. एक और क्वेश्चन कंटिन्यूटी में देख लेते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 58. अच्छा, इसके बीच जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो मैं अभी बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 58. क्या है, इफ 2 raised to a equals to 4 raised to b equals to 8 raised to c. एक इंफॉर्मेशन ये है, दूसरी इंफॉर्मेशन है ए बी सी is equal to 288, and based on these two information, required expression is 1 upon 2a plus 1 upon 4b plus 1 upon 8c. इसका क्या आंसर होगा? चलिए, कई लोगों ने ट्राई करके चेक कर लिया होगा, के मेथड यूज किया होगा, बट आई वुड से देयर इज नो के मेथड हियर. ओ सर, यू हैव से व्हेन सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर एंड टू इंफॉर्मेशन आर गिवन, के मेथड कैन बी अप्लाइड. यस, आई एम स्टिल स्टिकिंग टू दैट पॉइंट ओनली, बट द क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट. ही हैव नॉट द टू इंफॉर्मेशन, you have 3 informations on there. Means, see, 2 raised to A, 4 raised to B, 8 raised to C. जब ये numbers है, तो 2, 4, 8 का connection, तो 2, 4 का एक हो गया, तो 2 information, एक given information, एक hidden information हो गई. ये ABC equals to 2 AB, ये third information की जरूरत क्या है? नहीं है. फिर भी दिया हुआ है, that means, वो के मेथड वाला क्वेश्चन नहीं होगा. अब ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन में जब 2 इंफॉर्मेशन कब देते थे, जब बेस में जो वैल्यूज थी वो कोई नंबर नहीं था लेकिन अल्फाबेट था, जिसका कोई भी वैल्यू हो सकता था, अननोन अल्फाबेट थे. तो अननोन अल्फाबेट थे तो एबी इक्वल्स टू सीडी या बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी ऐसा देना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाबेट का इंटरनल रिलेशन क्या है हमको नहीं मालूम. लेकिन नंबर्स देते थे तो एक ही इंफॉर्मेशन देते थे, दूसरी हिडन इंफॉर्मेशन हम खुद जनरेट करते थे. यहां नंबर्स है तो दूसरी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. फिर भी इट इज गिवन, इट सजेस्ट द मेथड इज लिटिल डिफरेंट. एंड नाउ प्लीज पे अटेंशन, तो अप्रोच क्या होना चाहिए ये जरूरी है. क्वेश्चन देखा और सॉल्व कर दिया ऐसा नहीं है. यू मस्ट गो बाय सर्टेन अप्रोच. कब ये सॉल्व करना है, कब ये नई पैटर्न से सॉल्व करना है, ये भी ध्यान में रहना जरूरी है. देखते पहले तो ये रहा पहली इंफॉर्मेशन, 2 raised to a इक्वल्स टू 4 raised to b इक्वल्स टू 8 raised to c. अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 raised to a, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, 4 raised to b, एंड 2 cube, 4 raised to c.
और इसके हिसाब से देखा जाए तो एक और चीज हो गई, 2 रेस टू ए इक्वल्स टू 2 रेस टू 2 बी इक्वल्स टू 2 रेस टू 3 सी, और जब ये बेस सेम है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3 सी, a इज इक्वल टू 2 बी एंड 2 बी इक्वल्स टू 3 सी। अब ये तीनों इक्वल है, इसको किसी एक कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सपोज सभी को मैं b के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स पहले ये डेटा मैं यूज कर रहा हूं a इक्वल्स टू 2 बी, इसका मतलब ये हुआ कि a इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 2 बी, लेकिन b इज एक्सप्रेस इन व्हाट, तो मुझे b चाहिए, तो मैं ऐसा लिखूंगा b इज इक्वल टू, और यू कैन से a इज इक्वल टू b, तो कीप इट लाइक दैट ओनली, ये इजी रहेगा। आगे ले जाते हैं, a इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ b, नाउ 2b इक्वल्स टू 3c, इसको हम b के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 3 बाय 2c, a इक्वल्स टू 2b एंड b इक्वल्स टू 3 बाय 2c, दैट मींस c इक्वल्स टू व्हाट, 2 बाय 3b, तो a इन टर्म्स ऑफ b एज वेल एज c इन टर्म्स ऑफ b। अब b को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो अभी मैं सेकेंड इंफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूं, और वो है abc इक्वल्स टू 288, a इज इक्वल टू 2b, a की जगह पर हम लिख रहे हैं 2b, b एज इट इज, और c का मतलब है 2/3 of b एंड दैट इज इक्वल टू 288। चलिए चेक करते हैं, 2 × 2 4/3b³ इक्वल्स टू 288। ओके, सो b³ इक्वल्स टू 288 × 3/4। इसको सपोज हम सॉल्व करें, देन b³ इज इक्वल टू I think 72 will be there. So b³ equals to 216. As we know, 216 is 6³. That means b equals to 6. So a is what? 2b. मतलब 2 × 6 = 12, एंड c इज व्हाट, 2/3b, सो इट इज 4। सो वी हैव ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, नाउ व्हाटएवर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज वी कैन इजीली ऑब्टेन, थिंग्स रिक्वायर्ड आर 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c। Substitute values of a, b and c just obtained over here. 1/2. What is a? A is 12. 1/4 × b. B is 6. Plus 1/8 × c. And this is 4. Okay. Then we can write 1/24. Plus 1/24 plus 1/32. Take 96 as LCM. So 24 × 4 plus 24 × 4 = 32, 4, 8 + 3. So final answer would be 11/96. So for our question number 58, final answer is 11/96, and that is given in option C. Okay? चलिए एक और question देखते हैं, question number 59. अच्छा 59 question भी आपको लगेगा कि k method नहीं है, k method है ही नहीं, देखो x is equal to y raised to a equals to नहीं है, y equals to z raised to b and then z equals to x raised to c. What is the value of a into b into c?
तो कोई के मेथड की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये काम करो x इज इक्वल टू y इज टू a, बट यू नो y इज इक्वल टू व्हाट z रेस टू b, तो सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू z रेस टू b इन प्लेस ऑफ y, सो इट कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू a इनटू b, सॉरी x इज इक्वल टू z रेस टू a इनटू b, बट व्हाट इज z, z इज x रेस टू c, सो x रेस टू c into AB, it can be written as x raised to A into B into C. अच्छा, ये तो x ही है ना? Means x is equal to x raised to ABC. So x raised to 1 is x raised to ABC. Final answer, A into B into C is equal to 1. कौन सा था question? 59. And answer is option B. Okay?